प्याज की मटर की कचौरी सबने खाई होगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक अच्छी रहे वैसी कचौरी हम ड्राई कचौरी बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका कुकिंग सीक्रेट में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। एक कप मैंने मैदा लिया है, आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2 टेबलस्पून जितना मैं घी डाल दूँगी, साथ में नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी और उंगलियों की मदद से इस तरह से मैं घी को अच्छे से आटे में मिला लूँगी। और इस तरह का आटा हो तो हमारा घी परफेक्ट है, इस तरह का मैं मिला लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, 5 टेबलस्पून जितना पानी यूज़ करूँगी, लेकिन एक एक करके, और आटा अच्छे से मैं गूंद लूँगी। बहुत ही कड़क भी नहीं और बहुत ही नरम भी नहीं, वैसा वाला आटा गूंद लूँगी। हमें बहुत ही ज़्यादा मसलना है 10 मिनट तक। इस तरह से मैंने देखो कड़क आटा गूंदा है, लेकिन एक भी क्रैक नहीं है, वैसा वाला आटा गूंद कर हम रेडी कर लेंगे। हम आटे को गीले कपड़े से इस तरह से ढक कर 20 से 25 मिनट हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 लौंग और छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, साथ में मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, उसके साथ मैंने 1 चम्मच जीरे लिया है और उसके साथ 1 चम्मच सौंफ ली है। इसको मैं अच्छे से स्लो गैस पर भून लूँगी जब तक इसकी अच्छी सी अरोमा आ जाती है। ये आधा थोड़ा सा पक जाए तब हम 2 चम्मच तिल डाल देंगे सफ़ेद वाले। अब ये पक गया है, इसको गैस बंद करके अलग बर्तन में ले लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने खाखरा इस तरह से तोड़ लिया है, आपके पास खाखरा ना हो तो चलेगा। चाट पूरी ली है, छोटी वाली सेव ली है और ऐसा नमकीन लिया है, और ये गाठिया बोलते हैं बड़ी वाली सेव ली है। ये सेव और नमकीन कंपलसरी है, बाकी का आप मूंग दाल, चने की दाल तली हुई आती है वो आप ले सकते हो, लेकिन ये बड़ी वाली सेव और नमकीन कंपलसरी है, आप अपने हिसाब से बाकी का एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैं मिक्सी में चला लूँगी, लेकिन मैं दिखाती हूँ आप इस तरह से ही चलाना, वरना ऑयल बाहर आ जाएगा। रिवर्स और ऑफ कर रही हूँ। नमकीन का पाउडर हो गया है, अब ये हमने जो मसाला बुना था उसका भी पाउडर कर लेते हैं, इन सबको मिला लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, साथ में ही मैंने थोड़ी सी हींग डाली है और हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और लाल मिर्च डाल देती हूँ। साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश और काजू इस तरह से काट कर लिए हैं, आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हो। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ली है, उसको मैंने नमकीन के साथ ही ग्राइंड करके डाल दिया था। अब मैं इमली का पल्प लेती हूँ, 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प डालना है। लगभग 25 ग्राम जितनी इमली उबालकर मैंने ली है। इमली डालने से स्वाद तो बढ़ेगा, लेकिन हमारी कचौरी भी लंबे टाइम तक अच्छी रहेगी। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर, चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हो, गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मेरा नमकीन ऑलरेडी स्पाइसी, मीठा और खट्टा वाला था और वो बड़ी वाली सेव भी स्पाइसी थी। यहाँ मैं सौंफ डाल रही हूँ, साथ में मैं वाइट वाले तिल डाल दूँगी, इससे अच्छा क्रंच आता है। और इसको अच्छे से मिला लूँगी। हम आटा गूंथते हैं, वैसे हाथ से भी आप मिला सकते हो, और छोटी छोटी लुई बनानी है हमें। यहाँ आप अपने नमकीन के हिसाब से सारे मसाले एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो आप ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हो और शुगर अवॉइड भी कर सकते हो। इस तरह से मैं हाथ ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और छोटी छोटी लुइयाँ बना लूँगी। आपसे इस तरह से लुई ना होती हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। सारी की सारी नमकीन की मैंने इस तरह से लुइयाँ बनाकर रेडी कर ली है एक साइज़ की। अब आटा देख लेते हैं, आटे को वापस से मैं 5 मिनट अच्छे से गूंद लूँगी। आटे को भी मैं सेम पार्ट में डिवाइड करके लुई बना लूँगी। एक लुई लेकर इस तरह से उंगली और अंगूठे से इस तरह से हम थोड़ा सा रोटी जैसा बना लेंगे। अब मैं किस तरह से फोल्ड करती हूँ वो देख लो, क्योंकि हमें एकदम स्मूथ कचौरी चाहिए, थोड़े से भी क्रैक ऊपर नहीं चाहिए, इसलिए इसको बिना बेले इस तरह से हम कर सकते हो और बेल कर भी आप कर सकते हो। देखो इस तरह से बिना क्रैक के हम पूरा लुई जैसा बना लेंगे।
इसी तरह से मैं सारी कचौरी बनाकर रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने 10 कचौरी बनाई है, इतने आटे से 10 कचौरी बन जाती है। वापस से गीले कपड़े से ढककर साइड में रख दूँगी। ऑयल ले लेना है हमें तलने के लिए, हमें मीडियम गैस पर ही पकाना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना है। कचौरी तलने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको टेस्ट भी इतना ही अच्छा आएगा। कचौरी हमें गोल्डन ब्राउन हो तब तक अच्छे से तलना है, अंदर से कच्चा आटा ना रहे। उस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही हम तलेंगे। हमारी कचौरी बनके रेडी हो गई है सर्विंग के लिए। सारी कचौरी प्लेट में रख देती हूँ और आपको उसका साउंड दिखाती हूँ। साउंड से तो पता चल ही गया होगा कि कितनी क्रंची बनी है, लेकिन मैं एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रंची है। कचौरी की ऊपर की लेयर कितनी आसानी से कट हो रही है। आप इसी कचौरी घर पे बनाओ और 15 दिन तक स्टोर करके खा सकते हो। गुजरात के जामनगर सिटी की फेमस दाई कचौरी एंजॉय करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।